फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन फ्लेवर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दही बड़े। दही बड़े हम फेस्टिवल्स में बना सकते हैं, अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मूंग या उड़द की दाल के बनाए जा सकते हैं। मैंने मूंग की दाल इस्तेमाल की है। मूंग की दाल को रात में भिगो दिया है और उसका पानी निकाल के उसे ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, पिसी हुई दाल की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटी। इसके बाद हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे, स्वाद अनुसार नमक लेंगे, खाने का सोडा इस्तेमाल करेंगे, दही और चाट मसाला इस्तेमाल होगा, हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी का इस्तेमाल करेंगे। दोनों चटनियों की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। दाल को एक बर्तन में लेकर उसमें सोडा डालेंगे, हमने आधा चम्मच सोडा ऐड किया है, और इसे अच्छे से चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और इसको अच्छे से फेटेंगे। देखिए, हमें कम से कम 10-15 मिनट अपने पेस्ट को फेटना है, जिससे कि हमारे जो बड़े हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बने। ये देखिए, इसको लगातार फेटिए। ज़्यादा फेटने से हमारी जो पकौड़ियाँ बनेंगी दही बड़े की, वो काफ़ी सॉफ्ट होंगी और खाने में उतनी टेस्टी लगेंगी। आप देख सकते हैं, काफ़ी फेट चुकी हूँ मैं अपने पेस्ट को। अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और एक चम्मच में अपना पेस्ट थोड़ा सा लेकर और इस पानी में डालेंगे। देखिए, इस तरीके से ऊपर से डालना है। और अगर ये डाला हुआ पेस्ट ऊपर ही तैरता रहे, नीचे ना जाए, इसका मतलब हमारा पकौड़ी का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम एक बड़े पतीले में कम से कम 1/3 पानी लेकर उसे गर्म होने रखेंगे और उसमें एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। ये पानी हम तैयार कर रहे हैं पकौड़ियों को इसमें डालने के लिए। अब तेल गर्म करके हम इसमें चम्मच या हाथ की मदद से पकौड़ियाँ डालेंगे। दही बड़े की पकौड़ियाँ हम इस तरीके से डालकर और इन्हें सेकेंगे। आप एक बार में 7-8 पकौड़ियाँ सेक सकते हैं। इन्हें चलाते रहें। दोनों तरफ से जैसे अच्छे तरीके से सिक जाए। देखिए, थोड़ा सुनहरी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें उतार लेंगे। देखिए, पकौड़ियाँ सिकी हुई तैयार हैं। अब इन्हें हम जो हमने पानी गर्म किया था उसमें डाल देंगे। पानी हमें 5 से 10 मिनट गर्म करके गैस बंद कर देनी है। ये देखिए, सारी पकौड़ियाँ मैं इस पानी में डाल चुकी हूँ और इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। अब देखिए, इन पकौड़ियों को दोनों हाथ की मदद से इस तरीके से निचोड़ कर हमें सर्व करने के लिए जितनी खानी है उतनी ही सिर्फ निचोड़ें और एक प्लेट में रख लीजिए। बाकी पकौड़ियाँ आप पानी में ही रहने दें। देखिए इस तरीके से, अब मैं इन्हें सर्व करूँगी। दही में इन्हें इस तरीके से डिप करके हम प्लेट में लगाएंगे। आप चाहे तो पहले पकौड़ियाँ रख के और ऊपर से दही भी ऐड कर सकते हैं, पर इस तरीके से डिप करने से टेस्ट और अच्छा आता है। जितनी पकौड़ियाँ हमें सर्व करनी है दही में डिप कर कर हम एक प्लेट में लगा लेंगे। अब हम
दोनों चटनियाँ ऐड करेंगे। दोस्तों मैंने इमली की मीठी चटनी और हरी चटनी की रेसिपी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखिए चम्मच की मदद से इमली की मीठी चटनी को हम इस तरीके से फैलाएंगे। इसके बाद हरी चटनी को इस तरीके से फैलाते हुए इसको डेकोरेट करेंगे। और इसमें लाल मिर्च थोड़ा सा भुरकेंगे इस तरीके से चुटकी की मदद से, और थोड़ा सा नमक। इसके बाद चाट मसाला हम इसमें इस तरीके से डालेंगे। हमारे दही बड़े तैयार हैं, अब इन्हें हम सर्व कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके साथ साथ हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी की रेसिपी भी मैंने अपनी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड की है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।